हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ, देखिए ये एक बहुत ही सुंदर स्प्रिंग का फ्लावर है और इसका नाम है अमरेलिस लिली। तो आज मैं इस प्लांट का कंप्लीट केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो पॉट आप लोग देख रहे हैं, इसी पॉट में जितना भी बल्ब है वो सबको हम दोबारा से इसी पॉट में ग्रो करूंगी। और देखिए ये है वो पॉट जो फूल आप लोगों ने अभी तक देखे है। और ये पॉट इतने दिन शेडेड एरिया में था, तब मैं इन प्लांट्स को पानी भी नहीं दिया था, बस बारिश से जो पानी आते थे वही पानी से हो जाता था। और ज़्यादा जब ड्राई हो जाए तब आप इस, जब इसका सीजन नहीं रहता है तब आपको, जब ज़्यादा ड्राई हो जाए एक महीने के अंदर अंदर एक बार पानी देने से भी हो जाएगा ऐसा। और देखिए ये सारे बल्ब से बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकल गया है। और फ्रेंड्स, इन लास्ट ईयर भी मैंने जब इन बल्ब को ग्रो किया था उस समय भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था सारे बल्ब्स को कैसे मैंने लगाया था इसी पॉट में। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो भी आप चेक कीजिएगा। और साथ में इन प्लांट्स में जब बहुत सारे फूल खिले थे और बल्ब को लगाने के बाद से लेकर फूल खिलने तक का पूरा सफ़र भी मैंने दिखाया था, और साथ में बहुत सारे केयर टिप्स भी उस वीडियो में शेयर किया था। तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और देखिए आज तो मैं इसी पॉट में ये सारे बल्ब्स को लगाऊंगी। देखिए जो पॉट है उसको हमने पलट लिया और वो सारे बल्ब अभी इजीली निकल जाएगा। और ये लास्ट ईयर मैंने इसको, इस पॉट का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मैंने कुछ पेपर और सूखा हुआ पत्तियाँ ये सब दे के ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, और इसीलिए वो पेपर के साथ कुछ प्लास्टिक का पॉलीथीन भी गया था। तो इस बार भी मैं कुछ सूखा हुआ ड्राई प्लांट से करूँगी ड्रेनेज सिस्टम। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, मैं इन प्लांट्स को रिपोर्टिंग भी करूँगी। तो इसके लिए हमें कितना धूप देना है, कितना पानी देना है, फर्टिलाइजिंग क्या करना है, सबसे अच्छा सॉइल मिक्सर क्या कैसा देना है इन बल्बस प्लांट को, और वो भी अमरेलिस लिली को, जो कि आप लोग देखे हैं लास्ट ईयर मेरे प्लांट्स में कितने सारे फूल खिले थे। और साथ में देखिए बल्ब्स को हमें कैसे करके निकालना है और बल्ब्स को अलग अलग भी हमें कैसे करना है, वो ये सारे डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और देखिए ऐसे ही करके हमने एक बल्ब निकाल भी लिया है, और बल्ब से देखिए एक बल्ब से। और फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो कीड़ा है, ये अगर आपका प्लांट्स में आ जाए तो आपका प्लांट्स को एकदम खराब ही कर देगा, मार डालेगा, सूख जाते हैं। और गुलाब या फिर हिबिस्कस में लग जाते हैं तो वो प्लांट्स मर जाते हैं, वो समय रहते ही उसको निकाल के मिट्टी को दोबारा से चेंज करना पड़ता है। और देखिए एक बल्ब से मेरे और तीन बल्ब मुझे मिल गया। तो देखिए अभी जितना भी बल्ब्स है सबको हमें अलग करना है, और जो बड़ा बड़ा साइज थोड़ा हो गया है बेबी बल्ब वो सबको फिर अलग करके हम लगा भी सकते हैं, और जो ज़्यादा ही छोटा है उसको हम फिर पुराना बल्ब के पास ही रहने देना है, उसको नहीं अलग नहीं करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो रूट्स है बहुत फैलता है, इसको रूट बॉल भी अच्छा लगता है, तो इसलिए आप इन प्लांट्स को 8 इंच के पॉट में भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन 10 इंच से 12 इंच के पॉट में ग्रो करने से बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए मैंने निकाल लिया है कुछ बल्ब, देखिए एकदम नीचे कोई भी रूट्स नहीं होता है, साइड साइड होता है। और फ्रेंड्स इन प्लांट्स का जो बल्ब है वो सबको हमें ग्रो करते वक्त ज़्यादा अंदर तक नहीं देना है, और जितना भी रूट्स है हम काट लेंगे, और आप जो रूट्स है उस रूट के साथ ही ग्रो कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा वो भी। लेकिन मैं बहुत ही बड़ा, एक तो बड़ा बॉल है लेकिन बहुत सारे बल्ब भी उगाऊंगी मैं, तो इसीलिए देखते रहिए मैं कैसे करके बल्ब को लगाती हूँ, और साथ में इन प्लांट्स का कंप्लीट केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉल है बहुत ही बड़ा साइज का है और देखिए बहुत सारे होल मैंने अच्छे से दोबारा से निकाल दिया है। और देखिए उस पॉट में ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए आपको ऐसा करके करना ही पड़ेगा ऐसा। और इसके ऊपर में आप सैंड डाल सकते हैं, फिर उसके ऊपर आपका जो पॉटिंग मिक्स हम अभी बनाएंगे वो आप डाल सकते हैं। और मैंने देखिए ये सूखा हुआ कुछ प्लांट्स से ड्रेनेज सिस्टम बना रही हूँ, क्योंकि इसी से फिर कंपोस्ट भी बन जाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही करके इसको लगाया था और बहुत ही इजीली हमारा प्लांट्स को वो कंपोस्ट भी मिल जाएगा, लीफ मोल्ड जो होता है। और फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए जो पहले हम देख लेते हैं पॉटिंग मिक्स, और इसका जो पॉटिंग मिक्स है, अगर आप फ्रेश मिट्टी ले रहे हैं तो फिर मैंने देखिए स्क्रीन में लिख भी दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक भाग हमें गार्डन सॉइल लेना है, एक भाग सैंड लेना है और साथ में एक पार्ट आपको कंपोस्ट लेना है, और उसमें आधा पार्ट आपको अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल है तो वो ज़रूर लीजिएगा, और साथ में नीम खली और ये है बोन मिल, इसको आप 3-4 चम्मच ले सकते हैं, और नीम खली 2-3 चम्मच से हो जाएगा, और फंगिसाइड पाउडर 1 चम्मच लेना है। ये अगर आप गार्डन का फ्रेश सॉइल लेते हैं तो उसी से। और मैंने तो देखिए ये जो मैंने मेरा जो पॉटिंग मिक्स है इस साल का फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा बल्बस प्लांट का कुछ पॉटिंग मिक्स है, जो कि मेरा वो उसमें फुटबॉल लिली का बल्ब था तो वो सबको मैंने निकाल दिया, और उस पॉटिंग मिक्स को सुखा के उसमें 3 पार्ट वो मिट्टी लिया और 1 पार्ट मैंने कंपोस्ट मिला दिया, और साथ में वो नीम खली बोन मिल और फंगिसाइड पाउडर मिला दिया। तो वो सबसे एक बहुत ही अच्छा इजीली हमें पॉटिंग मिक्स मिल गया है। आप ऐसा करके भी बना सकते हैं अगर आपके पास पुराना मिट्टी अवेलेबल है। और उसके साथ देखिए मिट्टी को हमें ऐसे करके दबा दबा के पॉट में भराना है ताकि कोई एयर ना रहे, जितना आप कर सकते हैं कर कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अभी हमें जितना भी बल्ब्स है वो सबको उसमें रखना है। और फ्रेंड्स मैंने तो इसका सारे रूट्स भी काट दूंगी, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए ऐसा करके आप काट के भी लगा सकते हैं, या फिर जो रूट्स है वो सबके साथ ही लगाएंगे तो ईजिली ग्रो हो जाएगा, और फिर भी इसमें बहुत ही इजीली ग्रो हो ही जाएगा, और 1-2 महीने के बाद इसमें फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ पे मार्च के लास्ट से अप्रैल में तब फूल खिलते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा जल्दी से गर्मी आ जाता है वहाँ पे फिर फरवरी के लास्ट से फ्लावरिंग करना शुरू हो जाता है। और देखिए ऐसे करके बल्ब को अलग करना है, और साथ में ये जो देखिए इसका टहनिया है ये भी मैं काट दूंगी। ये देखिए आप ऐसे ही लगा सकते हैं, नहीं काटने से भी चलेगा, लेकिन सारे पत्तियाँ जितना भी था वो सब पुराना था इसलिए मैंने काट दिया। और इसको देखिए अभी इसमें पत्ते अगर ना भी निकले लेकिन फूल ज़रूर खिल जाएगा, आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब फूल खिल जाएंगे, वो मार्च के लास्ट में खिलेंगे या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो फूल मिलेगा ही मिलेगा। और आपने अगर मेरा अमेलिस लिली का गार्डन टूर नहीं देखा है वो भी आप देखिएगा, मेरे सारे फूलों को मेरे जो ग्राउंड में गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो ये सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहीं से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को कैसे करके हमें पानी देना है। और देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा ही करके आप इन प्लांट्स का जितना भी बल्ब है ऐसे करके लगाइएगा मिट्टी में, सारे बल्ब को एकदम मिट्टी के अंदर नहीं घुसाना है, ऊपर रख सकते हैं, एकदम से मिट्टी के अंदर हमें नहीं रखना है, क्योंकि इसका जितना भी रूट्स है नीचे ही रहता है, तो इसीलिए बल्ब को मिट्टी के अंदर रखने से बल्ब खराब होने का ही डर रहता है, तो ऐसा करके आप भी रखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं पानी कितना देना है। फ्रेंड्स इन प्लांट्स को पानी हमें देख के ही देना है, लेकिन इनको मॉइस्ट भी रहना बहुत ही अच्छा लगता है बल्बस प्लांट को कोई भी, तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत कोकोपीट भी मिलाया है। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं होने से भी चलेगा, वो जो सैंड दिया है उसी से भी थोड़ा मॉइस्ट रहेगा, और जो कंपोस्ट दिया है उससे मॉइस्ट रहेगा, और जो सैंड दिया है उससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा, इसीलिए
ताकि पानी जमा होके ना रहे। तो इसलिए आपको जब भी देखे आप ऊपर का मिट्टी सूख गया है तब आपको पानी देना है। ज़्यादा अगर गीला गीला करके मिट्टी को आप रखेंगे तो आपका बल्ब गलने का डर रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही आप पानी डालिएगा जब ऊपर का मिट्टी थोड़ा सूख जाए तब। अभी हम कितना धूप देना है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को आप फुल सनलाइट में रखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करेगा। और ये एक ऐसा प्लांट है जो कि जिसको आप सेमी शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे का धूप आप ज़रूर दीजिएगा तो ज़रूर फूल खिलेंगे और बहुत ही कलरफुल फूल तब खिलेंगे। अगर सेमी शेड में आप ग्रो करेंगे तब इसका कलर एकदम निखार के नहीं आएगा। तो इसीलिए आप को हो सके तो इसको आप फुल सनलाइट में रखिएगा। और अभी हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फ्रेंड्स, देखिए हमारा लगाना भी हो गया है और फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को हमें कोई भी अभी फर्टिलाइज़र नहीं डालने से भी फ्लावरिंग करेगा। ऐसे करके आप अगर मिट्टी को सॉइल मिक्सर बना के लगाते हैं तो, लेकिन फिर भी पॉट में जो हम ग्रो कर रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र देने से बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके लिए आप बल्बस प्लांट को, फॉस्फरस रिच सॉइल अच्छा होता है बल्बस प्लांट के लिए, तो इसलिए आप 1/2 चम्मच यूरिया और 1-1.5 चम्मच आप फॉस्फेट लीजिएगा, सुपर फॉस्फेट, और साथ में 1/2 चम्मच आपको जो पोटास है वो लेना है। तो ये टी स्पून से लेना है। तो वो सबको अच्छे से मिला के आप 10-12 इंच के पॉट में पूरा ही दे सकते हैं। 15-20 डेज के अंदर अंदर दीजिएगा, या फिर इन सबको आप लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। डीएपी और पोटास को भी आप दे सकते हैं। डीएपी 1 चम्मच और पोटास 1/2 चम्मच लेना है, ये भी आप पूरा डाल सकते हैं, या फिर लिक्विड बना के उसमें तब फिर आपको 1.5 लीटर पानी में अच्छे से घोल के जब खोल जाए तब आपको वो लिक्विड प्लांट्स में डालना है। तब लिक्विड बना के डालने से आप 10 दिन के अंदर अंदर डाल सकते हैं, तो बहुत ही इजीली प्लांट्स में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इन प्लांट्स में कोई भी बीमारी आते ही नहीं है। और एक बात फ्रेंड्स, आप मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपका प्लांट्स फुल सनलाइट में है तो, नहीं तो आप नहीं डालिएगा वो। और पेस्टिसाइड भी आपको स्प्रे नहीं करना है। जब आप देखें कुछ कीड़ा के आपका प्लांट्स को, प्लांट्स का जो पत्तिया है वो खा रहा है तो अब आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिएगा। तो डाइमेथॉट 30% का कोई भी पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। तो वो आपको 30 ड्रॉप्स ऐसा लेना है, 1 लीटर पानी में अच्छे से खोल के प्लांट्स में स्प्रे करना है 15-20 डेज के अंदर अंदर। ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जरूर कर सकते हैं, दूसरे प्लांट में अगर करते हैं तो, और नहीं तो जब बीमार आते हैं तब आप 7 दिन के अंदर अंदर कीजिएगा तो वो कीड़ा भी नहीं आएगा पत्ते खाने वाला। और फ्रेंड्स, फर्टिलाइजिंग भी हमें तब से नहीं करना है जब प्लांट्स में फ्लावरिंग करना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। और ये सारे हैं मेरे गार्डन का फ्लावर। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर